गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 25 ग्राम धनिया, जीरा मैंने लिया है 25 ग्राम, 7 से 8 दालचीनी की स्टिक्स ली है मैंने, तेजपत्ता हम लेंगे 5 से 6, छोटी इलायची या हरी इलायची 1.5 बड़े चम्मच, बड़ी इलायची लेंगे 7 से 8, सौंफ मैंने लिया है 1.5 बड़े चम्मच, काली मिर्च हम लेंगे 1.5 बड़े चम्मच। यहाँ पे मैंने 2 जावित्री के फूल लिए हैं। लवंग हम लेंगे 1 छोटा चम्मच। जायफल मैंने लिया है आधा, ये देखिए आधा तोड़ के मैंने लिया है। शाही जीरा हम लेंगे 1 छोटा चम्मच। यहाँ पे मैंने ये पॉपी सीड्स, यानी इसे हिंदी में खसखस और बंगाली में पोस्तो कहते हैं, ये 1 बड़ा चम्मच लेंगे। और थोड़ा सा सूखा अदरक, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ करें। सबसे पहले हम जायफल और इलायची को क्रश कर लेंगे। तो ये मैंने जायफल डाल दिया इसमें, तोड़ ले हल्का सा। फिर हम इसमें ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची, तीनों को साथ में क्रश कर लें। इससे इस मसाले का पाउडर बनाने में आसानी होगा, इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया है। फिर इसे एक बर्तन में निकाल लें, ये देखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे गैस ऑन करके एक पैन रखा मैंने, इसमें गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसमें संग संग हम ये धनिया डाल देंगे, जीरा डाल दें, शाह जीरा डाल दें, जितने भी मसाले हैं सब एक साथ डाल दें। फिर हम इसमें ये पोस्तो, सौंफ डाल दें, लौंग डाल देंगे, दालचीनी डाल दें, जावित्री, ये सूखा अदरक, काली मिर्च और जो हमने तेजपत्ता रखा है वो डाल देंगे, और ये इलायची और जायफल मिला दें सबको। हम इसे लो फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। आप चाहें तो इस गरम मसाला में लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, सूखे लाल मिर्च। लाल मिर्च यूज़ करने से गरम मसाला का जो कलर है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। और ये हमने इसे रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि गैस का फ्लेम मैंने लो रखा था, तो मसाले को मैं ऐसे एक बार मिक्स कर देती हूँ। बस 1.5 से 2 मिनट ही रोस्ट करें। बस ये हमारा मसाला जो है रोस्ट हो गया है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। इसे एकदम हल्का सा ठंडा हो जाने दें, बस थोड़ा सा इसके टेम्परेचर कम हो जाए। और यहाँ पे ये मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसे मैंने एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया और फिर इसे ढक्कन लगा के हम ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इन मसालों को रोस्ट करने के बजाय धूप में 3-4 घंटे रख दें, उसके बाद इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये एक बार जार का ढक्कन खोल के मैं चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेजपत्ता वगैरह अभी अच्छी तरह ग्राइंड नहीं हुआ है। तो वापस इसे तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह पाउडर में नहीं बदल जाते। तो मिक्सर को चलाएं और वापस एक बार देख रही हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छी तरह पाउडर बन गए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे जार में भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सूखा और क्लीन जार लिया है, और ये मसाले ठंडे हो गए हैं, तो इसे इस जार में भर देंगे। और ये मैंने गरम मसाला पाउडर को जार में रख दिया है, और ये हमारा गरम मसाला पाउडर रेडी हो गया है। इसे आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर करके आप इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करके आप इसे एयर टाइट बर्तन या फिर कांच के बर्तन में रखें, तो ये 5 से 6 महीने तक आराम से यूज़ हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।